सब्सक्राइब कीजिए डेली ब्यूटी टिप्स को और बगल वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एक बहुत ही अच्छी आई क्रीम के साथ। फ्रेंड्स, ये जो DIY आई क्रीम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आई क्रीम अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आ गए हैं, काफी झुर्रियां आने लगी हैं, तो ये उसको रिमूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ, ये सारे के सारे आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए और मैं आपको जो DIY क्रीम बनाना सिखा रही हूँ, इसको आप बना के रख लीजिए। आप जो है इसको बना के रखेंगे तो आपको क्या करना, रात को डेली सोने से पहले इस आई क्रीम को अपनी आंखों के नीचे अप्लाई करके मसाज करनी है। इससे आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे और जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चाहिए क्लीन बाउल। तो ये देखिए, मैंने लिया एक क्लीन बाउल। अब आपको सबसे पहले इसमें ऐड करना है कॉफी पाउडर। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर करीबन इसमें 1 स्पून के बराबर कॉफी पाउडर ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कॉफी ऐड की है। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है। इसमें कई तरह के ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं जो कि अगर चेहरे पर फाइन लाइंस हैं, झुर्रियां हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है किसी भी तरह की, या फिर अगर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा अब हमें क्या करना है, हमें इसमें अगली चीज जो ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ करीबन इसमें 1 चम्मच यानी कि 1 स्पून के बराबर एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। देखिए, करीबन इतना एलोवेरा जेल आपकी आंखों के नीचे की स्किन को, जो रिंकल्स हैं, उसको दूर करेगा, स्किन को टाइट बनाएगा और काफी ज्यादा जो है काले घेरों को दूर करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमें इसमें अगली चीज की जो जरूरत है, कैस्टर ऑयल। तो देखिए, मैं यहाँ पर करीबन इसमें 1/2 चम्मच के बराबर कैस्टर ऑयल ऐड करूंगी। बस दोस्तों, हमें 3 चीजें ही इसमें ऐड करनी है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, परफेक्ट। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है तो आप इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, बट इतना ही, ये तीनों इंग्रेडिएंट भी काफी हैं। तो ये देखिए, काफी अच्छे से परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये क्रीम आपकी बनके तैयार है। अब आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इसे एक कंटेनर में स्टोर करके रखिए। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कुछ भी रेमेडी अगर ट्राई कर रही हैं, तो वो ट्राई करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, मीन्स डार्क सर्कल्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उसका रीजन क्या है। क्योंकि जब हमें मेन रीजन पता होता है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना, उसका जो है उस चीज का ट्रीटमेंट करना बहुत ही जो है ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसका आप रीजन ढूंढने की, रीजन क्या है कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। मीन्स बहुत ज्यादा फोन चला रहे हैं, बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई है आपका, बहुत ज्यादा जो है लैपटॉप पर बैठने का काम है, तो किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है उस रीजन को जानिए। या फिर आपके खान पान इसका मेन रीजन है, तो आप ये रीजन अगर जान जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी हम रीजन तो हमें पता नहीं होता, बट अगर हम सिर्फ होम रेमेडीज ट्राई करते हैं तो उसका बेहतर रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आप जो है अपने रीजन को जानिए। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसे खाली कोई भी कंटेनर हो आपके पास, उसमें इस तरह से स्टोर करके रख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इस क्रीम को अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो वो अगर इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, स्किन में जो भी आपकी स्किन काफी ड्राई हो रही है, डैमेज हो रही है, कोई भी स्पॉट्स हैं आपके फेस पर, रिंकल्स आ गए हैं, तो ये उसको रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल बनाएगा और डार्क धब्बे स्पॉट्स को दूर करने में काफी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो ही मेरी आज की DIY आई क्रीम। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।